फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्नली राय किचन ब्लॉग। आज हम आपके लिए एक मिक्स वेज करी का रेसिपी लाए हैं जो बहुत ही टेस्टी होने वाला है। इसके लिए कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैरेट, बीन्स, कैप्सिकम, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, आप चाहे तो पनीर भी ऐड कर सकते हो, बट हम ओनली वेजिटेबल से बनाने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कढ़ाई गरम करके उसमें मस्टर्ड ऑयल हमने डाले हैं, जीरा, मेथी, सूखी मिर्च, तेज पत्ता। इस तड़के को अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लेना है। फिर हम गाजर, जो हमने छोटे छोटे पीस काट के रखे थे, उसको डालें। एक एक करके सारी सब्जियां डालेंगे। थोड़ा सा गाजर को हल्का सा तेल पे फ्राई कर लेंगे। अभी ठंडी के टाइम में गाजर बहुत अच्छा मिलता है, तो हमने गाजर ठंडी खत्म होने वाली है तो हमने गाजर, फूलगोभी, कॉलीफ्लावर का एक जो विंटर सीजन में मिलती है वो सब्जी से बहुत टेस्टी वेज करी का रेसिपी बन रहा है। गाजर के बाद हम छोटे छोटे पीस में काटे हुए आलू को डाल दिए, बीन्स को भी डाल दिया। 2 मिनट फ्राई कर लेंगे बीन्स को, फिर इसको ढक के रखेंगे। 5 मिनट पकने दीजिए। जब ये हल्का सा पक जाएगी तो हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे, फुल कॉलीफ्लावर और ब्रोकली को भी डाल दिए। कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली को डालें। जब ये हल्के से पक जाते हैं तो हम कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली को डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, फिर हम 5 मिनट इसे ढक के रखेंगे। ऐसे 5-5 मिनट 2-3 बार ढक के आपको कुक करना है। फिर हम कैप्सिकम को डालेंगे। कैप्सिकम थोड़ा जल्दी पकती है, सो कैप्सिकम को हमने लास्ट में डाला। मटर, अभी विंटर सीजन में मटर बहुत अच्छा मिलती है, तो हमने मटर को भी इसमें डालें। अभी सब्जियाँ इतना अच्छा मिल रहा है, तो ये ऐसे कड़ी ज़रूर आप लोग बना के देखिए, बहुत अच्छा बनता है। मिक्स वेज हेल्दी भी होती है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। बीच में थोड़ा सा गैप करके 1 चम्मच तेल डालिए। इसी तेल पे हम ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे। ये जब थोड़ा सा हल्का सा भून जाए तो हम इन्हें सब्जी के साथ मिलाएंगे। हल्दी डालेंगे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सब 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर हमने डाले, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इन्हें सब्जियों के साथ मिला लेंगे। अदरक का पेस्ट अभी भून चुकी थी, हमने जो बीच में ऑयल डाले, तो इसे एक ही कढ़ाई में पूरा खाना बन रही है पूरा। अब हम सारे मसाले के साथ इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और ऐसे इसको पकने देंगे 5 से 10 मिनट हम इसे पकने देंगे। थोड़ा धनिया पत्ता, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है धनिया पत्ता डालने से। फिर इसे हम ढक के 5 से 10 मिनट रखेंगे। करीबन 10 मिनट हमने ढक के रखा है, इसको पकने देंगे। गैस के फ्लेम मीडियम ही रखना। फिर 10 मिनट बाद आप इसे खोल के थोड़ा चला लेना। इसमें हमने टमाटर का पेस्ट जो हमने शुरू में बना के रखे थे उसे डाल दिए। फिर 2 मिनट हम लोग ढक के रखेंगे, टमाटर को पकने देंगे। कसूरी मेथी थोड़ा हाथ में लोग मल के इसमें डालेंगे, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, उसको आप स्किप मत करना। कसूरी मेथी को डालना है। फिर हम फेटे हुए दही को, 2 से 3 चम्मच फेटे हुए दही को डाले हैं। दही डालने के बाद आपको कंटिन्यूस चलाना है, नहीं तो दही फट जाएगी। फिर हम अब ऐसे ही चलाते रहना 2 मिनट। स्वाद अनुसार अभी नमक डालना। शुरू में हम नमक डाले थे तो थोड़ा सा कम लग रही थी मुझे, तो हमने थोड़ा सा और नमक डाल दिया। गरम मसाला पाउडर 1/2 स्पून, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। यहाँ हम पानी यूज़ नहीं करेंगे, पानी की जगह दूध यूज़ करेंगे, 1/2 कप दूध। इसमें टेस्ट बहुत बढ़ जाती है मिल्क को ऐड करने से, सो पानी बिल्कुल यूज़ मत करना। सब्जी को हम ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाएंगे, सो 1/2 कप से ज़्यादा नहीं डालेंगे। हमने 1/2 कप मिल्क डाले हैं थोड़े थोड़े करके। सो आपके घर में अगर कोई गेस्ट आता है या कोई पार्टी बनता है या आपको थोड़ा खाने में मिक्स वेज में थोड़ा सा टेस्ट चाहिए, तो आप ज़रूर ऐसे बनाना, इसमें बहुत टेस्टी बनता है। आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ खा सकते हो। सो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया टेस्ट है। लास्ट में हम थोड़ा 1 चम्मच घी डाल देंगे। आपको अगर मेरी
रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल बर्नाली राय किचन ब्लॉग को सब्सक्राइब करना। ये लीजिए, हमारा मिक्स वेज का करी बन चुकी है। फिर से हम एक नई रेसिपी के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।